Dear students of class 2 and respected parents, Assalamu alaikum. How are you students? I hope you will be fine and safe at homes. I am your English teacher from Junior Campus High School and today I am going to deliver your lecture from your English book. Okay beta, as you know aap on the bus ka already bahut sa kaam kar chuke hain jisme aapke storytelling, reading aur dictation words hain. Theek hai, ab hum aaj on the bus ke question answers ki practice karne wale hain. Now look at your question number 1. Where are the people on the bus going? अब देखिए इसकी प्रैक्टिस में आपने ये ध्यान रखना है कि हमारा आंसर मोस्टली जो है क्वेश्चन में से निकलता है तो हम इस चीज़ की प्रैक्टिस लाजमी करते हैं. जैसे वो कह रहे हैं वेयर आर द पीपल ऑन द बस गोइंग, के पीपल यानी कि लोग जो थे बस पे जो मौजूद थे वो कहाँ जा रहे थे. तो अब आप क्या कह रहे हैं द पीपल ऑन द बस आर गोइंग टू लाहौर. यानी आपने आधा आंसर कहाँ से लिया अपने क्वेश्चन में से. द पीपल ऑन द बस आर गोइंग टू लाहौर, जस्ट आपने जगह बताई टू लाहौर. ठीक हो गया. नाउ लुक एट योर क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज मिसेस अली ड्रीमिंग अबाउट. ड्रीमिंग अबाउट मीन्स कि मिसेस अली किस चीज़ का ख्वाब देख रही थी. तो आप क्या कहेंगे मिसेस अली इज, मिसेस अली इज ड्रीमिंग अबाउट द शालीमार गार्डन्स. जस्ट आपने जो ख्वाब वो देख रही थी वहाँ पे उसका नेम लिख देना है. जैसे वो शालीमार गार्डन्स का ख्वाब देख रही थी तो आपने क्या कहा मिसेस अली इज ड्रीमिंग अबाउट द शालीमार गार्डन्स. ठीक हो गया. नाउ लुक एट योर क्वेश्चन नंबर 3. व्हाई डज द बस स्टॉप. तो अब ये आपका वाई के साथ है यानी आपने रीज़न देना है. ठीक है, तो इसका जस्ट इतना आंसर आप यहाँ से ले सकते हैं द बस स्टॉप्स. डज मीन्स आपने स्टॉप्स करना है. ठीक है, यानी कि जो आपका वर्ब है उसके साथ आपने एस लगा दिया. द बस स्टॉप्स बिकॉज अ काउ इज ब्लॉकिंग द रोड. अब रीज़न क्या था अ काउ इज ब्लॉकिंग द रोड. और जब वाई का क्वेश्चन आता है तो रीज़न देने से पहले हम बिकॉज का यूज़ करते हैं. ठीक है बेटा, अब हमने इन क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करना है और इसके साथ साथ इनको क्या करना है अपनी कॉपी में होपफुली आप पहले ही इसको पिनअप कर चुके होंगे क्योंकि आपको पता है कि आपके नोट्स हैं इस साइड पर और दूसरी साइड पे आपकी डेफिनेशंस है तो आप इसको पेस्ट नहीं कर सकते. ठीक है बेटा, नाउ मूव टू योर बुक पेज नंबर 45. बेटा हम पेज नंबर 45 पे सबसे पहले क्या करेंगे, बुक वर्क करने से पहले हम क्या करते हैं डेट एंड क्लास वर्क लिखते हैं. ठीक है, और आज का लेक्चर जो है वो आप यहाँ पर उस डे के लिहाज से डेट लिखेंगे यानी 16th of September 2020 और फिर आप क्लास वर्क भी मेंशन करेंगे. और आज जब हम पार्ट करने जा रहे हैं वो कौन सा है, पार्ट बी वर्किंग विद वर्ड्स. अब आप स्टेटमेंट पढ़िए, इसको मेरे साथ साथ पढ़ना है आपने. राइट शॉर्ट आंसर्स फॉर दीज क्वेश्चंस. देखिए हेयर आर सम क्वेश्चंस, आपने इसके जस्ट शॉर्ट आंसर्स देने हैं. ठीक है, जैसे आपका फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें वो क्या कह रहे हैं. नंबर 1 में देखिए एट द बस स्टेशन, यानी आपकी सिचुएशन क्या है कि जब बस स्टेशन पर मौजूद थी तो फिर उससे रिलेटेड आपने इन चार क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और शॉर्ट देने हैं. फॉर एग्जांपल लुक एट नंबर 8. हाउ मैनी पीपल आर इन द बस. हाँ जी बताइए कितने लोग थे, रीडिंग किया ना आपने. यस वेरी गुड, 10. जस्ट आप शॉर्ट आंसर में लिखेंगे 10 या 10 पीपल, दोनों तरह से आप लिख सकते हैं. ठीक है, नाउ लुक एट बी. वेयर इज द कंडक्टर स्टैंडिंग. अब देखिए बस स्टेशन पे जब बस मौजूद थी तो कंडक्टर कहाँ पे मौजूद था. यस कोशिश करें. यस नियर द बस, वो बस के पास मौजूद था तो आपने यहाँ पे लिख देना है नियर द बस. ये देखिए अब आपने इस तरह से नियर द बस लिख लेना है और बेटा यहाँ पे आपने फुल स्टॉप ज़रूर लगाना है. ओके नाउ रीड सी क्वेश्चन, ज़रूर खुद से आपने पढ़ना है. वेयर इज द ड्राइवर. अब बताइए ड्राइवर कहाँ था. यस वेरी गुड, इन हिज सीट. अब आप लिखेंगे इन हिज सीट.
नाउ रीड डी. व्हाट इज मिसेस अली कैरिंग. अब उन्होंने क्या उठाया हुआ था, ये तो बहुत आसान है, देखिए पिक्चर में भी नजर आ रहा है, एन अम्ब्रेला. वेरी गुड. अब आप यहाँ लिखेंगे एन अम्ब्रेला. ओके बेटा, एक चीज़ की करेक्शन करें कि जैसे आपने भी नोट किया होगा कि क्या मिस्टेक हुई है, कि हमने फर्स्ट लेटर कैपिटल से लिखना था, जैसे टेन का, नियर का, ठीक है, और उसके साथ हम सेकेंड लेटर को ज्वाइन नहीं करेंगे, जैसे इन हिज सीट का आई और एन अम्ब्रेला का ए. ठीक हो गया. नाउ रीड नंबर टू. ऑन द वे टू लाहौर, यानी कि अब आपने ये बताना है जब वो लाहौर की तरफ जा रहे थे उस सिचुएशन के मुताबिक आंसर देने हैं. जैसे रीड ए, इज़ द बस गोइंग फास्ट, क्या बस तेज चल रही है. यस यस वेरी फास्ट, या यस इट इज़. ठीक है, अब हम लिखेंगे यस लिखकर हमने हमेशा क्या लगाना होता है, कोमा, तो आप लगाएंगे. ठीक है, यस इट इज़, यस वेरी फास्ट, दोनों तरह से आपके आंसर ठीक होंगे. नाउ रीड बी. व्हाट इज़ मिसेज अली डूइंग, मिसेज अली क्या कर रही थी. अब देखिए आपको याद होगा कि वो दो काम कर रही थी, स्लीपिंग एंड ड्रीमिंग. ठीक है, तो ये आंसर थोड़ा लंबा है तो इसलिए हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हमारे वर्ड्स पूरे नहीं आएंगे, तो उसके लिए मैंने नंबर बी के लिए नीचे लाइन लगाई है. तो आप भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे. ठीक है, और यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, स्लीपिंग एंड ड्रीमिंग, एस कैपिटल आ गया. ओके बेटा, इस तरह से अब आप स्लीपिंग एंड ड्रीमिंग लिख देंगे. ठीक है, ड्रीमिंग के बाद आपने फुल स्टॉप लगा दिया. नाउ डेट सी, वेयर इज द खाओ. अब आपने कब बताना है, वे टू लाहौर की बात हो रही है, तो खाओ कहाँ थी. यस ऑन द रोड, तो अब आप यहाँ पे ओ कैपिटल लिखेंगे, ऑन द रोड, और उसके बाद अब आप क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप. वेरी गुड, आर ओ ए डी, रोड. नाउ रीड डी. डज मिसेज अली मेक द काउ मूव, क्या मिसेज अली जो है उनसे काउ जो है वो इधर, यानी कि हिली थी वहाँ से अपनी जगह से, तो अब आप क्या कहोगे, नो. नो के साथ अब आप शॉर्ट आंसर दे रहे हो तो डज का यूज़ करोगे, नो शी डज नॉट, यानी उनसे काउ जो है वो मूव नहीं हुई थी. ठीक है, तो अब आपने जब शॉर्ट आंसर देना है येस और नो से, तो अब हम क्या करते हैं, येस या नो लिखने के बाद कोमा लगाते हैं. ठीक है, शी डज नॉट. अब बहुत से बच्चे डज की स्पेलिंग गलत लिखते हैं, वो लिखते हैं डी ओ एस ई, वो गलत है, डी ओ ई एस डज होता है. ठीक है, डज के स्पेलिंग बेटा आप ठीक से याद क्या करें, नो शी डज नॉट. और बहुत से बच्चे शॉर्ट आंसर देते हुए लिख देते हैं नो शी डज, सिर्फ इतना लिखते हैं तो भी आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि आपको डज नॉट पूरा लिखना है, नो में है तो डज नॉट. ठीक है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे. तो बेटा हमने इसी तरह से बिल्कुल अपना ये पार्ट बुक पे ही सॉल्व करना है, बहुत नीट राइटिंग में, या आपके बुक वर्क भी चेक होना है, और जो आपका कॉपी वर्क में क्वेश्चन आंसर है हमने उसको अच्छी तरह से लर्न करना है. ठीक है, तो आज का आपका लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है. स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़.